जय हिंद दोस्तों, मैं डीके शर्मा, फाउंडर और चेयरमैन बायोवेल ऑर्गेनिक। आज मैं हूँ बुलंदशहर के खासपुर चोला हमारे जैविक कृषि केंद्र पे, और मेरे साथ हैं सेंटर ओनर मिस्टर देवेंद्र गौर जी। आज इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। तो देवेंद्र गौर जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका मैं चाहूँगा, ये जो कौन सी जगह है, कौन सी तहसील में आती है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। ये मेरा नाम देवेंद्र गौर और गाँव खवासपुर चोला रेलवे स्टेशन के पास है, सिकंदराबाद ब्लॉक है, जिला बुलंदशहर है। थैंक यू सो मच। और मैं कुछ सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि आने वाला समय है उसको लेके आपके क्या विचार हैं, ये चलने वाला है, व्याप्त होगा, लोग इसको अपनाएंगे, या जैसे रासायनिक खेती चल रही वैसे चलेगी, आपको क्या लगता है? एक दिन तो ये अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि रसायन से आजकल लोगों में कैंसर, किडनी, कई भयानक रोग पैदा हो रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे इसकी ओर हमको आना पड़ेगा। और थोड़ा भी लोगों में जागरूकता नहीं है, और थोड़ा उनमें जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, और फिर जैविक वही हमको आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो संस्था बायोवेल है जो जैविक खेती में काम कर रही है, आप जानते हैं, आपने साल भर से ऊपर लगभग हो गया है आपको सेंटर लिए हुए, इसकी जो कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, वो आपको अच्छा लगता है, खुश हैं उससे आप? बिल्कुल खुश हैं हम इससे, अच्छा लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच। और जो सेल्स टीम की जो गतिविधियाँ हैं और जो उत्पाद हैं, जैसे आपने अपने खेती में भी इस्तेमाल किया, आसपास के लोगों को आपने बहुत समय से आप उत्पाद जो है उत्पाद हैं वो आप इस्तेमाल करा रहे हैं, तो इनके लेकर क्या फीडबैक है, इनके रिजल्ट अच्छे हैं या और लोग इनको अपना रहे हैं? इनके रिजल्ट अच्छे हैं, इससे जर्मिनेशन अच्छा हो रहा है, और जो कीड़ा लगता है वो कीड़ा लगने का भी बहुत कम वो है, अब पहले से कम लग रहा है, और जो हमारी फसल है लास्ट तक हरी भरी रहती है। हमने अपने धान के खेत में लगाया था, उसमें उसका ब्यांत बहुत, मतलब कम से कम 50-60 पेड़ हो जाते हैं एक उसमें। अच्छा। और लास्ट तक हरा रहा, जब तक पकी हमारी फसल, कोई रोग नहीं आया, हमने सारा अपना यही उत्पाद लगाया। थैंक यू सो मच। मतलब उत्पाद बहुत अच्छे हैं, जर्मिनेशन अच्छा होता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो पौधों के अंदर बहुत डेवलप हो जाती है, रोग नहीं लगते हैं इसके अंदर। ठीक, एक लास्ट सवाल और है गौर साहब, कुछ केंद्रधारकों की शिकायत रहती है कि उनका केंद्र चल नहीं रहा है, तो वो किसी और चीज़ को जिम्मेदार बताते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? ऐसा केंद्र तो एक साथ तो ये है नहीं कि हमारा तेज गति से चलेगा, थोड़ा धीमी गति से चलता है, परंतु जब हम लगाएंगे, अपने में लगाएंगे, दूसरे के में लगवाएंगे, तो देख देख के और भी लगाते हैं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम हैं, हमको कुछ केंद्र पर बैठना चाहिए और लोगों के बीच जाना चाहिए। अच्छा, केंद्र पर बैठना चाहिए और लोगों के बीच में जाके इसके बारे में बार बार जानकारी देनी चाहिए। अच्छा, इसमें किसान गोष्ठियाँ या 1-to-1 जो नुक्कड़ मीटिंग है वो भी लगता है आपको काम करती है, किसान गोष्ठियाँ बड़े स्तर पर करानी चाहिए? नहीं, वो तो करानी चाहिए, परंतु आजकल हम देखते हैं लोग आते हैं और बातों में मशगूल हो जाते हैं, ध्यान कम देते हैं, और अपना नाश्ता वगैरह लिया चल देते हैं, और उनको आदत हुई है रसायन वाली। परंतु जब हम अपने खेत में लगाते हैं, तो जब उसको देख के जब वो आकर्षित होते हैं, जब लगाते हैं उसको, तो इसलिए पहले हमको किसी खेत में लगवाना चाहिए, यदि हमारे पास खुद का खेत नहीं है तो दूसरे के एक के लगवा दें, और तो उसको दिखाएं कि देखो इसमें हमने ये उत्पाद लगवाया है, इसका रिजल्ट ये है, तो जब लोग बढ़ेंगे, और अन्यथा जब हम लगवाएंगे ही नहीं तो कहाँ से देखेंगे लोग। हमने तो अपने गन्ना में भी डाला है, धान में भी डाला है, गेहूँ में भी डाला है, तीनों फसलों में अच्छा रिजल्ट है इसका, और कोई शिकायत नहीं है रोग की कैसी भी, हर एक तरह से बढ़िया है। थैंक यू। तो गौर साहब का कहना है कि अपने खेत में डालें और कुछ सैंपल जो खेत हैं वो रेडी करें और किसानों को दिखाएं कि भाई ये इसके रिजल्ट हैं, ताकि उनका विश्वास पैदा हो सके, यही मतलब हुआ ना, और लोगों के बीच में जाएं, केवल दुकान पे बैठने से काम नहीं चलेगा, उनको पता होना चाहिए और बार बार जाके उनसे प्रयास करें। सो थैंक यू सो मच गौर साहब, बहुत अच्छा लगा मिलके। थैंक यू सो मच। जय बायोवेल, जय हिंद।